हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी रिट्स। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी में है, जो इसका प्रॉब्लम है गाड़ी में, जो स्पीडोमीटर है, इसका स्पीडोमीटर वर्क नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये 20-40 जो है, ये स्पीडोमीटर वर्क नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपका जो किलोमीटर भी है, किलोमीटर भी आपको वर्किंग नहीं हो रहा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका जो स्पीडोमीटर सेंसर होता है कैसा रिप्लेस करना होगा आपको। ऐसे में कोई मीटर में ऐसा कोई इफेक्ट फॉल्ट नहीं आएगा आपको। माइनर आपको बहुत से गाड़ी में आपको फॉल्ट आ जाएगा, ऐसे जो सेंसर होता है इसका स्पीडोमीटर का। जो नेक्स्ट टाइम इसको सेंसर को आप दिखाएंगे खोलने का, दिखाने के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे गाड़ी के नीचे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से दिखाऊंगा आपको, ऊपर से अब तो नहीं दिखेगा आपको सेंसर एग्जैक्टली। आप देख सकते होंगे ये जो आप सेंसर देख रहे होंगे, इस सेंसर को जो आपको बाहर निकालना होगा, वो टेंसाइज का बोल्ट आपको दिख रहा होगा, वो टेंसाइज का बोल्ट है, वो सर्किट, इस दोनों को भी हम भर निकालना के बाद जो है इजीली जो है इसका सेंसर आपको आ जाएगा। देख लेंगे इस क्लिप को, सॉकेट को जो है प्रेस करके निकाल लेना होगा, जो बाद जो है आपको ये टेंसाइज का बोल्ट है, दोनों बोल्ट खोल के आपको ईजीली जो सेंसर बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस सॉकेट को जो है बाहर क्लिप और जो क्लिप प्रेस करके बाहर निकाल लेना होगा आपको। देख सकते हैं इस क्लिप को आपको ऐसे बीजी प्रेस करके जो है आपको निकाल लेना होगा। आपको टेंसेस का एक बोल्ट दिखेगा, इस बोल्ट को भी आपको लूज़ कर लेना होगा। पहले इसी बोल्ट लूज़ कर लिया होंगे, जो नेक्स्ट टाइम इस बोल्ट खोलेंगे तो इजी सेंसर को आपको शेक करके जो सेंसर है आप इजी से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा सेंसर को बाहर निकाल के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे स्पीडोमीटर को जो बाहर निकाल चुका हूँ मैं, क्योंकि जो गाड़ी में जो है जो आपको किलोमीटर का जो प्रॉब्लम है, स्पीडोमीटर वर्क नहीं हो रहा, इसीलिए जो आपका जो किलोमीटर है वर्किंग नहीं होगा। पैसे में आपको मकानों नहीं चाहिए, आपको जो सेंसर है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टाइम न्यू मंगाए के इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम है ये जो रेयरिंग प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट टाइम इसको जो न्यू सेंसर है मंगा के आपको स्टार्ट कर किलोमीटर आपको स्पीडोमीटर सब चेक करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जो स्पीडोमीटर सेंसर है न्यू मंगा चुका हूँ मैं, जो नेक्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं आपको बताया था मैं। ये भी देख सकते हैं, ये जो है पुराना वाला, क्योंकि जिसमें स्पीडोमीटर जो है वर्क नहीं हो रहा, इसलिए आपको किलोमीटर जो है आपको मीटर के अंदर नहीं दिखा रहा, कितना आप ट्रिप पड़े हैं, कितना ये कर रहे हैं, आपको सब नहीं दिखाएगा। जो मेन आपको स्पीडोमीटर वर्क होगा तभी आपको ट्रिप को किलोमीटर सबको दिखाएगा। जो नेक्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे आपको बताया था मैं, आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर देंगे वहाँ गेयर बॉक्स में। फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे सेंसर को जो इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, देख सकते हैं इसका जो न्यू सेंसर है, टेंसेस का बोल्ट है और सॉकेट, जो न्यू सेंसर इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ स्पीडोमीटर। जो नेक्स्ट टाइम गाड़ी को ट्रायल मारेंगे सॉकेट को भी देख सकते हैं अंदर कुटब आप लॉक कर लेना होगा, बस इतनी फिटिंग है हम आपकी गाड़ी को जो नेक्स्ट टाइम चला के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गाड़ी को जो मैं ट्रायल पे लाया हूँ, गाड़ी जो है रनिंग है, आप देख सकते हैं जैसे कि आप दिखाते हैं फर्स्ट गियर में वाली गाड़ी। प्रॉपर जो इसका जो स्पीडोमीटर है वर्क हो रहा है। आप देख सकते होंगे इसका स्पीडोमीटर जो है प्रॉपर वर्क हो रहा है, आपको इजीली किलोमीटर ट्रिप सब आपको दिखाएगा। पहले क्या था, जब जो किलोमीटर स्पीडोमीटर है आपको वर्किंग नहीं हो रहा था, इसलिए जो हमको सेंसर का प्रॉब्लम था, इसलिए हमने सेंसर को चेंज किया है। बेसिकली आपको बेसिक दूसरे कार में भी शिफ्ट में डिजायर में सब इशू आ सकता है, स्पीडोमीटर वर्क नहीं होता, इजीली जो आप है सेंसर चेंज कर सकते होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें।
Thank you.